बोकारो विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन किया। मशकूर आलम सिद्दीकी ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। निर्वाचन पदाधिकारी शशिभूषण सिंह के सामने उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता ने अगर एक बार मौका दिया तो विस्थापितों का मुद्दा विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी गूंजेगा। साथ ही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ क्षेत्र की समस्याओं का वो समाधान करेंगे। को इसके पहले हमेशा छलने का काम किया गया, कभी विस्थापित के नाम पर, कभी छोटे जात के नाम पे, बड़े जात के नाम पर बांट कर हम सभी बोकारो वासियों को बांट कर राजनीति रोटी सेकने का काम किया। इस बार एआईएमआईएम जो अपना मुद्दा लेकर के आया है कि बोकारो विधानसभा में सबसे पहले विस्थापित भाइयों का जो विस्थापन का मुद्दा है आज तक ठगने का काम किया, उसको किसी ने नहीं उठाया। इस बार इंशाल्लाह इस विस्थापित भाइयों की आवाज विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी गूंजेगी हमारे माननीय